हाई गाइज, वेलकम टू रियल हब फैमिली एंड आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, देन ओनली विल गेट द लेटेस्ट अपडेट। सो आज की जो वीडियो है गाइज, आज की वीडियो मैंने अगेन बनाई है स्किन केयर के ऊपर, और उसमें 3 स्टेप है जो आपको फॉलो करना है टू गेट द ग्लोइंग स्किन एट होम ओनली। एंड येस, वी आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन द प्रोडक्ट जो टेम्परेरी होते हैं, हमारी स्किन को थोड़े टाइम के लिए अच्छा करते हैं, बस रेस्ट ऑफ टाइम जो उसका रिजल्ट होता है फिर सेम हो जाता है। तो इसमें मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, इसलिए जो 3 स्टेप है आपको फॉलो करने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन में जो नेचुरल ग्लो आएगा, और उसके बाद जब आप मेकअप पुट ऑन करते हो या फिर आप बिना मेकअप के रहते हो, देन योर स्किन विल बी ग्लोइंग स्किन। यस, सो हम स्टार्ट करेंगे 3 स्टेप। फर्स्ट में हमें बनाना है फेस पैक। सो फेस पैक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बेसन, जिसे कहते हैं ग्राम फ्लोर। तो इसका यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी स्किन से रिमूव करता है टैन को, डेड स्किन को, और जो हमारे फाइन फेशियल हेयर हो जाते हैं हमारे फेस पे उसको भी रिमूव करता है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ी सी थिक ली है, तो आपको अगर ऐसा बेसन मिलता है तो आप ऐसा ले लीजिए, और नहीं मिलता है तो नॉर्मल वाला भी 1 टीस्पून ले सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून आपको लेना है कर्ड, हमारी स्किन डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करता है और स्किन को सो स्मूथ कर देता है। तो इन दोनों के मिक्सचर को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जब हम इसे अपने फेस पे लगाएं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लाइक कि ये इधर उधर कहीं थिक ना हो। उसके बाद मैं ले रही हूँ लेमन। तो लेमन कंटेन करता है गाइस विटामिन सी को, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल्स प्रॉपर्टी है, और ये स्किन के बिल्कुल ही डैमेज जो होती है हमारी स्किन उसको बिल्कुल ही अच्छी कर देता है, और अगर हमारी स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम होती है उसको भी रिमूव करता है। तो और लास्ट में मैं ले रही हूँ हनी। तो हनी क्या करता है, हमारी स्किन को नरिश करता है, मतलब कि अगर आपकी बहुत ही रफ स्किन है तो आपको हनी का यूज़ नॉर्मल भी कर लेना चाहिए, वो आपकी स्किन को बिल्कुल ही नरिश कर देगा। और इसी तरीके से आपको 2 ड्रॉप बिल्कुल ही 2 ड्रॉप लेना है हनी के, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये आपके स्किन में जो भी स्कार्स है, जो भी प्रॉब्लम है लाइक स्किन रफ होने की, तो सबको बिल्कुल ही अच्छा कर देगा। तो इस तरीके से आपको इस पूरे मिक्सचर को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी स्किन पे बिल्कुल ही कमाल कर दे और हमारी स्किन बहुत ही स्मूथ और अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको टर्मरिक इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि मैं टर्मरिक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आप अगर चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा फेस पैक बन के हो गया रेडी। सो गाइज, अभी मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है ठंडे पानी से, और मैं इसे ड्राई कर ले रही हूँ कॉटन की सहायता से, तो आप भी ऐसे कर लें। उसके बाद मैं फेस पैक को 2 फिंगर से यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप हाथों से यूज़ करते हैं तो आप अच्छे से अपने फेस को मसाज कर पाएंगे। मेरी वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड हो रखी है इसलिए आपको जल्दी जल्दी दिख रहा है, बट आपको बहुत ही जेंटल हैंड से अच्छे से मसाज करना है, और नेक पे भी अप्लाई करना है इसको, और फॉरहेड पे अप्लाई करें, मतलब कि बहुत ही जेंटल हैंड से इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे करते हुए फिर आपको इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है फेस पे। और अभी ये मैंने पूरा फेस पैक अप्लाई कर लिया है, तो अब इसे ड्राई होने दीजिए। अभी मेरा फेस पैक ड्राई हो गया है, तो अभी मैंने हैंड को पानी से थोड़ा सा भिगा लिया है और मैं अपने फेस पे इसे टैप कर रही हूँ ताकि मैं अब इसे रिमूव करूँगी। ऐसे ही मुझे इसे डायरेक्ट नहीं धोना है, आपको इस तरीके से रिमूव करना है ताकि वो स्क्रब की तरह काम करे जो हमने थिक वाला लिया था बेसन, और हमारे फेस को अच्छे से जो डेड स्किन है उसे रिमूव करते हुए फेशियल हेयर है उसको भी रिमूव करते हुए बिल्कुल ही बाहर आ जाए। तो अभी मेरा फेस ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सेकंड स्टेप है रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर आप यूज़ करना है आपको इस तरीके से, तो आपको बहुत ही आराम से रोज़ वाटर को फेस पे लगाना है, एंड अगेन बहुत ही आराम आराम से आपको उसको सोक करवा देना है अपने फेस में। तो ये मेरा रोज़ वाटर भी मेरे फेस ने ऑब्जर्व कर लिया है। बट द लास्ट थिंग ये है फेस सीरम जो मैंने बनाया था, तो इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो ऊपर लिंक प्रोवाइड है, आप देख सकते हैं। अभी आपको इसे थोड़ा सा हाथों में लेना है और इस तरीके से मैं पूरे फेस पे अच्छे से इसे लगा लूँगी ताकि मेरी स्किन जो है बिल्कुल ही तीनों हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाए। और ये जो 3 स्टेप है ये कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, और ये विद इन 1 or 2 मिनट्स आप देखेंगे, और उससे भी कम टाइम में ये आपके फेस को ऑब्जर्व कर लेगा। तो फिर अभी ये हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं।
तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने इन तीनों DIY को यूज़ किया है, जबकि ये जो रोज वाटर है गाइज, ये आपको डेली बेसिस पे अपने फेस पे यूज़ करना चाहिए। जब भी आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं, नेवर फॉरगेट टू यूज़ द रोज वाटर। अगर आपके पास इस तरह की स्प्रे बोतल नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ इट विद द हेल्प ऑफ योर हैंड एंड विद द हेल्प ऑफ द कॉटन, एंड एट द सेम वे आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, रोज वाटर से, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपके फेस का pH लेवल बैलेंस होगा और आपकी जो स्किन है वो मोर हाइड्रेट होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप इसे यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से यूज करना है। और अगर आपके पास ये जो सीरम जो मैंने बनाया है घर पे, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसकी जो सेपरेट वीडियो मैंने डाली है, आप वहां से इसे देख के सीख सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है, देन आप नॉर्मल जो एलोवेरा जेल होता है मार्केट जो में, जो एलोवेरा जेल मिलता है, आप उसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फेस पे। ये तीनों चीज़ें आपको यूज़ करनी है। मैं सजेस्ट करूंगी कि एवरी संडे सैटरडे आप वीक में कोई एक डे डिसाइड कर लें जब आप अपने आपको पैम्पर करेंगे, एंड द सेम डे आप इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट आएगा गाइज, दैट नॉट विल बी लाइक कि वन यूज़ में यू विल सी 20% रिजल्ट, आई विल नॉट लाई हियर, बट आफ्टर यूजिंग 2 or 3 times यू विल सी द रिजल्ट कि हाउ नाइसली इट इज़ कमिंग। तो गाइस, वीडियो बनाने के बाद जो मैंने अभी अपने फेस पे अप्लाई किया है, दैट इज 9 to 5 लैक्मे 9 to 5। आपको इसकी एक छोटी सी ड्रॉप लेनी है और वेरी नाइसली आपको इसे यूज़ करना है अपने फेस पे। उसके बाद आप इसे देखेंगे कि मेरी स्किन में, अगर आप इसे चेक भी करेंगे, तो यू विल नॉट सी कि किसी भी तरीके का कोई भी क्रीम बाहर आ रही है। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ इट एंड यू कैन मेक योर स्किन मोर ग्लोइंग। सो प्लीज़ वी स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोज़, एंड गाइज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लॉट्स ऑफ सपोर्ट।